नमस्कार सीएमएन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं और अभी से राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, यूपी के शामली में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जारी किसान हित में जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लिए, गरीबी, विकास, ये मुद्दे कांग्रेस के जन्म जात रहे, हमेशा रहे। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से किसान के लिए, मजदूर के लिए जनता की लड़ाई हमेशा कांग्रेस ने लड़ी और लड़ती रहेगी। हम हमेशा चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर जाते हैं। धर्म के नाम पर हमने कभी वोट नहीं मांगा कांग्रेस पार्टी। जिस तरह आज आपके पार्टी हुई है, मीटिंग हुई है, इसमें मतलब हर इंसान के उत्साह भरा हुआ है, क्या ये उत्साह आगे चलकर काफ़ी होगा? ये उत्साह और भी बढ़ेगा। आज हमारे प्रभारी आए हुए हैं, जब यहाँ प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, जब आप देखेंगे चुनाव सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा।